हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने घर में घुसकर सोते हुए युवक के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के दौरान मृतक के अलावा मृतक की पत्नी और 3 साल का मासूम भी घर में मौजूद था। पुलिस मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मैं गांव से आया था घर पर, तो मैं बाहर बाइक खड़ी करके अंदर गया, दूध रख के मैंने रसोई के सामने दूध रखा। दूध रखने के बाद में मैंने देखा कि एक कमरे का गेट खुला पड़ा है और दूसरे का गेट जो बंदा जिसमें डेड बॉडी थी इसमें, उसका जब मैंने गेट खोला तो अंदर लाइट जल रही थी लाल वाली, छोटी इसका कम उजाला है, रोशनी में एकदम साफ ना दिखाई दिया। मैंने गेट खोला, गेट खोलने के बाद लाइट जलाई, लाइट जलाते जब मैंने देखा तो भाई का जो फांसी लगी हुई थी चुन्नी से, उसके बाद में जब मेरी एकदम जो किले लिकट गई, मैं रो लगा, मैंने कई आवाज़ मारी, कई आवाज़ के बाद भी कोई भी ना बोला। फिर मेरा निगाह पड़ी कि सामान जो सारा बिखरा पड़ा, सेप वेप सब चीज़ खुली पड़ी। मैं ये सोचने लगा किसी ने तीनों की फांसी लगा दे दी है। मैंने घर फ़ोन करा मम्मी के पास में, जब मैं रो कर घर पर बात कर रहा था तो जब भाभी उठी ही, जब लड़का उठा था उनका। मृतक के छोटे भाई पिंटू की माने तो वो अपने माता पिता के साथ कोतवाली क्षेत्र के गांव में मुरादाबाद में रहता है, जबकि मृतक कृष्ण और उससे बड़ा भाई कक्कू परिवार समेत सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के हीरा कॉलोनी में रहते हैं। बुधवार शाम को मृतक का बड़ा भाई कक्कू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी दूसरे शहर शादी समारोह में गया था, जबकि मृतक कृष्ण और पत्नी घर में अकेले थे। गुरुवार सुबह जब पिंटू घर मृतक के घर पहुंचा, उसने दरवाजा खुला पाया। कमरे में जाकर देखा तो मृतक कृष्ण का शव बिस्तर में पड़ा था, जबकि मृतक के गले में दुपट्टे का फंदा पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि पुलिस अब मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अभी तक जो घटनाक्रम सामने आया है वो ये है कि घर वालों ने एक लिखित तहरीर दी है हमें कि उसके भाई ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। इस पर हम लोगों ने तत्काल सूचना दर्ज करके आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। संपूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है। मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, इसलिए उसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है। पश्चातनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, परिजनों से, उसकी पत्नी से और भी लोगों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। घटना के कारणों को जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है, जबकि पुलिस बहुत जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का भी दावा कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।